वरुण धवन की पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर, यह मूवी 19 अक्टूबर 2012 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 59 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ 12 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। दूसरे नंबर पर है मैं तेरा हीरो, यह मूवी 4 अप्रैल 2014 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 41 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 78 करोड़ 29 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। तीसरे नंबर पर है हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, यह मूवी 11 जुलाई 2014 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 35 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ 55 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। चौथे नंबर पर है बदलापुर, यह मूवी 20 फरवरी 2015 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 16 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ 76 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। पांचवें नंबर पर है ABCD2, यह मूवी 19 जून 2015 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 65 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 158 करोड़ 33 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। छठे नंबर पर है दिलवाले, यह मूवी 18 दिसंबर 2015 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 135 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 376 करोड़ 81 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सातवें नंबर पर है ढिसुम, यह मूवी 29 जुलाई 2016 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 55 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ 76 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। आठवें नंबर पर है बद्रीनाथ की दुल्हनिया, यह मूवी 10 मार्च 2017 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 44 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 206 करोड़ 18 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नौवे नंबर पर है जुड़वा 2, यह मूवी 29 सितंबर 2017 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 65 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 227 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। दसवें नंबर पर है अक्टूबर, यह मूवी 13 अप्रैल 2018 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 33 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 58 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 11 नंबर पर है सुई धागा, यह मूवी 28 सितंबर 2018 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 48 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 125 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 12 नंबर पर है कलंक, यह मूवी 17 अप्रैल 2019 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 150 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 146 करोड़ 14 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। 13 नंबर पर है स्ट्रीट डांसर 3D, यह मूवी 24 जनवरी 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 96 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ 32 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। 14 नंबर पर है कुली नंबर 1, यह मूवी 25 दिसंबर 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 80 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 115 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। 15 नंबर पर है जुग जुग जियो, यह मूवी 24 जून 2022 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 110 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 156 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। 16 नंबर पर है भेड़िया, यह मूवी 24 नवंबर 2022 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 60 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 84 करोड़ 98 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। सब मूवी में वरुण धवन की आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे आपको किस एक्टर या एक्ट्रेस का वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं।